नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा और इस हफ्ते हम बात करेंगे फीमेल एसोसिएटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम पीसीओडी एंड पीसीओएस। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओडी और पीसीओएस की बीमारी फीमेल्स में हार्मोन इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, एक्ने और हिरिटिज्म यानी कि फेशियल हेयर कॉज करती है। फीमेल्स के ओवरीज में मेल हार्मोन्स एंड फीमेल हार्मोन्स दोनों की ही प्रोडक्शन होती है, बट एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल में ये हार्मोनल बैलेंस आउट रहते हैं, परंतु पीसीओडी की बीमारी में मेल हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन एक्सेस होती है, जिसके कारण ओव्यूलेशन इफेक्ट हो जाती है। हमारे फीमेल के ओवरीज में फॉलिकल होते हैं, जिसमें सैक फॉर्मेशन में आपके मेच्योर एग बनते हैं, जो कि हर महीने मासिक स्राव के साथ यानी कि पीरियड्स के साथ मेच्योर होकर रिलीज होते हैं। लेकिन पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम में ओवरी से एग मेच्योर होकर रिलीज नहीं होता है, फॉलिकल्स और ओवरी के अंदर ही एग की बजाय सिस्ट लाइक फॉर्मेशंस क्रिएट हो जाती है, इसीलिए इस बीमारी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहा जाता है। इस बीमारी को अगर टाइम रहते ट्रीट ना किया जाए तो सिर्फ इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स और हार्मोनल डिस्टर्बेंस ही नहीं, ये सीरियस हेल्थ रिस्क भी कॉज कर सकती है। पीसीओडी और पीसीओएस वाली फीमेल्स हायर रिस्क पे रहती हैं ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए। आयुर्वेद के अनुसार आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, दोषों का इम्बैलेंस एवं रक्त की दुष्टि कारण है इस बीमारी का। इस बीमारी के बारे में और जानकारी पाने के लिए और आयुर्वेद के जरिए इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए और हमारे पेज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।